हेलो दोस्तों, NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 18 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक एक चीज़ हम बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला है। यहाँ पर आज वीडियो में बात करेंगे हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके सिग्निफिकेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, और उसका रोल क्या होता है। लेकिन सारे मिनरल्स का रोल क्या है, ये सिंपल सी बात आप ध्यान रखिए। इन सारे मिनरल्स की भागीदारीता पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्या रहती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, एंड अपने दोस्तों के साथ जो अपने शेयर करना है ना वो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। मिनरल्स देखिए काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर अगर हम देश की बात करते हैं तो उसमें मिनरल्स का जो रोल होता है ना एकदम ऊंचे लेवल पर होता है। बात करें डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मिनरल्स के साथ ही एसोसिएटेड रहती हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर जो मिनरल रिसोर्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो कंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरस दिखेगी। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी आपको, उसकी ग्रोथ भी सही, डेवलपमेंट भी सही देखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर तो चाइना एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए कि वहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन दैट इज़ वाई चाइना ने जो पिछले कुछ दशक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी जो इकोनॉमी में इजाफा करा है, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी दिखाई देने के लिए हमने दिखी है, ठीक है। अगर बात करें मिनरल्स में, रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, वो भी चाइना में उनकी भरमार है, ठीक है। अब बात करें हम रसिया जैसी कंट्री की, बहुत बड़ी कंट्री है रसिया, मगर वहाँ पर भी जो हमें मिनरल्स मिलते हैं ना वो एम्पल अमाउंट में मिल जाते हैं, सो दैट कि जो रसिया की पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करा जा सके, वहाँ का जो इंडस्ट्रियल जो तबका है उसको सपोर्ट करा जा सके, और वहाँ की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और वहाँ के जितने भी लेबरर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में जॉब्स वगैरह क्रिएट करी जा सकें। तो ये सारी चीज़ें कहाँ डिपेंड करती हैं, हमारे कंट्री में अगर मिनरल्स की मिनरल्स की जो उत्पत्ति है वो सही है या फिर मिनरल्स हमारी कंट्री में सही पाया जा रहा है, सही अमाउंट में पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये उससे तय कर सकते हैं कि हाँ हम अपनी कंट्री को एक अच्छे सी दिशा में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें इस समय पर अपने आपको, अब सबको पता है कि हमारे यहाँ से माइग्रेंट्स जाते हैं, हमारे यहाँ से जो वर्कर्स हैं वो जाते हैं जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो कौन सी कंट्रीज़ हैं, हाँ जो हमारी वो कंट्री नाम याद नहीं आ रहा, सऊदी अरबिया, कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया और बहरीन, कतर और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर आपने दुबई का नाम सुना होगा, दुबई का तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, ठीक है, और सऊदी अरबिया का, कतर, बहरीन और ये कुवैत का नाम तो आप इतना नहीं सुनते हैं, बट हाँ यहाँ पर हमारे कंट्री के जो वर्कर्स हैं यहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, और काम जब करते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर जो है ना जो पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है, पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में यहाँ पर उनका उत्पादन होता है। अब ये यहाँ पर है, यहाँ पर फिर जब इसका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कच्चा तेल का यहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब ये जो कंट्री क्या करती हैं, जब ये उत्पादन करती हैं नीचे ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करती हैं तो उसको ऊंचे दामों में बेचते हैं, तो इससे जो है उनकी इकोनॉमी में इजाफा होता है, बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब जब उनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं वो कंट्री जो है प्रॉस्पेरस हो रही है, ठीक है। आज के समय में वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो इमारत है दैट इज द बुर्ज खलीफा, वो कहां पर स्थित है, ऑब्वियसली दुबई में, ठीक है, दुबई किसकी राजधानी है। अच्छा आप मुझे बताइए कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यानी UAE उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है ये सबसे ऊंची इमारत, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक तरीके से इन्फर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मिनरल रिसोर्सेज है ना वही कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर देश की जो डेवलपमेंट है वहाँ का और जो ग्रोथ है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारी इंडिया जो कंट्री है वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हम पाए जाते हैं, लाइक कोयला भी पाया जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, गोल्ड हो गया और यूरेनियम हो गया, ये भी पाए जाते हैं, बट क्या हमारी कंट्री में एम्पल अमाउंट में यानी सफिशेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, नहीं। ये चीज़ें थोड़ी सी हमको कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं ताकि हमारी कंट्री में जो डिमांड क्रिएट होती है ना चीज़ों को लेकर उसको फुलफिल करा जा सके, ठीक है। अब जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड हमारे यहाँ पर कोलर गोल्ड फील्ड KGF आपने नाम सुना होगा, कोलर गोल्ड फील्ड वहाँ पर कर्नाटका में,
खदान है, ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन होता है, ठीक है। मगर ऐसे ही हमारी जो इंडिया की डिमांड है गोल्ड की, उसको मैट करने के लिए हमारे यहाँ पर सफिशियंट गोल्ड नहीं है, मगर उसके लिए हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं गोल्ड को, ठीक है। तो ऐसे ही जो चीज़ हमारे यहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा या फिर कम मात्रा में हमारे पास है, तो हम उसको बाहर देशों से मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसलिए मिनरल जो होते हैं, खनिज जिनको हम बोलते हैं, वो एक अहम भूमिका निभाते हैं एक कंट्री की प्रोस्पैरिटी में, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं प्रोस्पैरिटी को, समृद्धता में, ठीक है, और एक कंट्री की बढ़ोतरी में, उसकी जो जीडीपी है उसकी बढ़ोतरी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलें आगे, चलिए, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक रहेगा, हम जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी में, यानी एक पर्टिकुलर हमारी मान लीजिए, फिर किसी भी कंट्री की मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोस्पैरिटी ऑफ अ कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इंडिया जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कोयला भी पाया जाता है, गोल्ड भी पाया जाता है, माइका भी पाया जाता है, और एल्युमिनियम भी पाया जाता है, आयरन और भी हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो बॉक्साइट है वो भी मिलता है। अगर हम बात करें क्या नाम है उसकी, यूरेनियम की, तो हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें पाई जाती हैं कंट्री में, ठीक है। मगर कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, मगर कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो एक एम्पल अमाउंट नहीं पाया जाता है। तो उस चीज़ को, हमारी जो कंट्री की जो डिमांड होती है, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम बाहर कंट्रीज से मंगवा लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट होना है ना, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज उस कंट्री में पाए जाते हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पानी और ज़मीन हमारे यहाँ पर बहुत, देखिए एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में ज़मीन बहुत है, बहुत ज़मीन है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ सकती है। मगर आपने देखा होगा कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन रहती है जहाँ पर काम धंधा हो, जहाँ पर फैक्ट्री लगी हों, जहाँ पर मार्केट्स अवेलेबल हों, जहाँ पर पानी वगैरह की सुविधा हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, यानी जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत रहती है ना एक पर्टिकुलर डेवलप्ड एरिया को, वो सारी चीज़ अगर वहाँ पर मिल रही हैं तो जो पॉपुलेशन है वो वहीं पर हमें दिखाई पड़ेगी, वहीं पर बसापत आपको दिख सकती है, जो वहीं पर बस्तियाँ बस सकती हैं, ठीक है, वहीं पर लोग रह सकते हैं। अब बात करें हम हिस्ट्री की, तो इंडस के किनारे लोग बसे क्यों थे, इंडस के किनारे जो हरप्पन थे वो बसे क्यों थे वहाँ पर। इंडस में पानी मिल रहा था, वाटर की अवेलेबिलिटी थी, ठीक है, और वहाँ पर जो पानी था उसमें फ़िश वगैरह थी, वहाँ पर खाना वगैरह था, ठीक है, वहाँ पर वो कुछ भी उगा सकते थे, पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ से हो जाती थी उगाने के लिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पर उनकी जो प्रोस्पैरिटी वो तो बरकरार रहनी ही थी, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, रहने के लिए वहाँ पर पेड़ थे, छत वगैरह वहाँ पर आसानी से वो बना सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिवर्स आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, दैट इज़ वाई कि जो अगर हमें प्रोस्पैरिटी या फिर कुछ और चीज़ें देखनी है, अपनी कंट्री की बढ़ोतरी देखनी है, वर्ल्ड में फेम देखना है, तो हमें जो है ना ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज का, ठीक है। अब हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन बिना रिसोर्सेज का उपयोग करे पॉसिबल है? नहीं। अगर आयरन ओर में से आयरन और बॉक्साइट को अलग करके आयरन नहीं निकाला जाएगा, आयरन भी काफी प्रकार के होते हैं, मेटल होते हैं दो प्रकार के, फेरस नॉन फेरस, आगे बढ़ेंगे हम। आयरन ओर में से आयरन को अलग करके नहीं निकाला जाएगा और उसको काम में नहीं लाया जाएगा, उसको स्टील में और आयरन में तब्दील नहीं करा जाएगा, तो क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी रिसोर्सेज जरूरी हैं। अब आयरन तो निकाल लिया, उसको फर्मेंट करने, उसको क्या नाम है, आयरन ओर से निकालने के बाद उसको क्या नाम है, सेपरेट करने के लिए उसमें जितने भी कॉन्टामिनेशन पाए जाते हैं, कॉन्टामिनेशन इन द सेंस जो एडिशनल जो वो पाए जाते हैं मटेरियल्स, उनको अलग करने के लिए क्या हमें कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भट्टी वगैरह लगाने के लिए, फर्नेस बोलते हैं हम वैसे तो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन विदाउट रिसोर्सेज इज़ नॉट पॉसिबल, वी नीड टू फोकस ऑन द रिसोर्सेज एंड वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग दैम सस्टेनेबली एंड ऑप्टिमाइजिंगली, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो या फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो,
तो नेशन को इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर देश में पाए जाते हैं ना, उन पर डिपेंड होना पड़ता है। मगर यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि उसका जो मिसयूज़ है यानी रिसोर्सेज का जो मिसयूज़ है उसको भी कहीं ना कहीं जो है अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो मिनरल्स हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, क्या वो दोबारा से जनरेट हो जाएंगे? अब कोयला है, कोयले को ले लीजिए, कोयले को बनने में काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, तब हम उसे आज निकाल पा रहे हैं। मगर आज का कोयला जो निकाल रहे हैं क्या आगे हमें मिल पाया? नहीं, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अर्थ पर, ठीक है। मगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो अनलिमिटेड पाए जाते हैं, जैसे कि पानी, लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन वो जो ना उनको हमें सस्टेनेबली यूज़ करने की ज़रूरत है, इनका जो मिसयूज़ होता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस और अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अब हमारे लिए इनका सिग्निफिकेंस क्या? पहली चीज़ तो हमें पता ही है कि रिसोर्सेज आर वेरी वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, इंडिया जो है, इंडिया में काफ़ी सारे मिनरल्स तो पाए जाते हैं, मगर सारे जो मिनरल्स हैं वो उनकी सिग्निफिकेंट सेम नहीं है। अब मान कर चलिए कोयला है, कोयले की सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है, मगर उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो उस टाइम पर कम हो गई थी थोड़ी, जिस टाइम पर रेल में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। उस समय तो रेलगाड़ियाँ कोयले से चल रही थी, मगर धीरे धीरे जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमने मूव करना स्टार्ट करा तो वी केम टू नो दैट द यू नो कि जो इंजन है वो बिना कोयले के भी चल सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी कैन वर्क, ठीक है। मगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी तो कोयले की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी जनरेट होती है, हाइड्रल पावर प्लांट से भी जनरेट होती है, तो इसीलिए वी कैन शिफ्ट फ्रॉम द कोयला टू दी अदर जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत भागीदार होते हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ में और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में। जब कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ के रहने वाले जो पीपल हैं उनकी पर कैपिटा इनकम और प्रॉस्पेरिटी और वेल ऑफ वो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन ओर हो गया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, और कोल हो गया, मैगनीज हो गया, बॉक्साइट, माइका, ठीक है, माइका, ये सारे जो है ना सिग्निफिकेंट मिनरल्स हैं। अब फेल्सपार, फ्लोराइड्स, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, ये भी कुछ अदर जो मेटल्स हैं यानी सॉरी मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे कि लाइमस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से जो मिनरल्स हैं जिनका अहम रोल है हमारी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में मान लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मिनरल्स जो हैं वो हमारे इंडिया में अबंडेंटली पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इंडिया जो कुछ मिनरल्स हैं उनमें सेल्फ सफिशियंट है, ठीक है, सेल्फ सफिशियंट है, ठीक है। तो जैसे कि मगर कुछ हैं जो नहीं पाए जाते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन और स्टील इंडिया काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर वो सेल्फ सफिशिएंसी है। बट व्हेन इट कम्स टू अदर मिनरल जैसे कि पेट्रोलियम और कुछ नॉन फेरस मेटल्स जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, ठीक है, और डायमंड हो गया, तो इन ये सारे मिनरल्स हमारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो वी नीड टू इम्पोर्ट दीज मिनरल्स। अब कोयला भी है, कोयला भी हम हमारे ऑस्ट्रेलिया से हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। मगर हमारे यहाँ पर भी तो कोयले का एक्सट्रक्शन होता है, हमारे यहाँ पर भी माइंस हैं, मगर वहाँ पर जो कोयले में कार्बन की जो क्वांटिटी है ना वो इतनी नहीं है, ठीक है। कोयला कितने प्रकार का होता है वो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मगर अभी ध्यान रखिए कि कोयले में इतनी कार्बन के जो कंटेंट नहीं पाया जाता, इसलिए हम जो उम्दा क्वालिटी का जो कोयला है वो हम इंपोर्ट करते हैं, सो दैट कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है इजीली वर्क कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, मेटल्स यानी मिनरल्स मान लें हम, तो कॉपर, लेड, जिंक, टीन, ग्रेफाइट, ये सारे मिनरल्स पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट की बात करी जाए, ग्रेफाइट आपने देखा होगा ट्रेन्स को चलते हुए, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, अब वो जो ऊपर का जो तार से टच होता है ना वो ग्रेफाइट से ही बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक पूरे तरीके का साइंटिफिक फिनोमेना है जो कि ग्रेफाइट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ग्रेफाइट क्या है कि एक जो है ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर अबंडेंटली नहीं मिलते वो क्या करते हैं हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं इजीली, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलिए अब क्या हुआ करता था कि हमारी जब कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी यानी ब्रिटिश पीरियड यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उस समय पर सिचुएशन क्या थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे यहाँ पर तो इंडस्ट्री थी नहीं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 में ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, देन इट गॉट स्टार्टेड
स्प्रेडिंग, ठीक है। अब वहाँ पर वो जब स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 1750 में कहाँ पर एंटर करा था, कहाँ पर बताइए आप मुझे। हाँ सही सोच रहे हैं आप, इंग्लैंड की बात करें, यूके की। तब हमारे यहाँ पर कौन राज कर रहा था, दैट इज़ द ब्रिटिशर्स। अब वो हमारे यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं कर रहे थे, अब वो हम अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि अब जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं थे तो हमारे यहाँ पर जितना भी प्रोड्यूस हो रहे थे ना मिनरल्स, वो सब अपनी कंट्री भेज रहे थे और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब चरम पर चल रहा था, ठीक है। मगर धीरे 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 1947 के बाद व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी केम टू नो दैट द इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज रियली नेसेसरी। दैट इज व्हाई वी अडॉप्टेड 5-year plans. 5-year plans is a you know kind of planning wherein the eminent person in the country who plans accordingly. तो ये जो फिनोमिना था ये हमने रशिया से, अस्टवाइल USSR से उठाया था, यानी उनसे बोरो करा था, बोरो इन द सेंस कि अपने अकॉर्डिंग इसको ढाला, फिर उसके बाद हमने कंट्री में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, जिसको आप जानते भी होंगे कि प्लानिंग कमीशन, ठीक है, पहले हुआ करता था 2014 में, ठीक है, 2014 में, आज इसको बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जिसको 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट थी उनके आने के बाद इसको नाम बदल दिया गया था और एक तरीके से अलग ही ये बॉडी बना दी गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि जो कंट्री की डिमांड्स है ना उसको फुलफिल करा जा सके, बजट एलोकेशन सही से हो सके, ठीक है, और सारे के सारे जो डेवलपमेंट है वो कंट्री का एक तरीके से अच्छे पेस पर चल सके, अच्छी स्पीड पकड़ सके, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बात। अब धीरे धीरे जब 1947 के बाद जब इंडस्ट्रीज लगने लगी तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये सबक मिलने लगे कि हाँ हमको भी मिनरल्स की ज़रूरत है, चाहे फिर वो कोयला हो या फिर आयरन हो या फिर कोई भी मिनरल हो, उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। अब जमशेदजी टाटा ने जो एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी थी जमशेदपुर में, तो वहाँ पर भी जिसको हम टाटा इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर लगी थी। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ की कुछ प्रीक्विजिट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, प्रीक्विजिट्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करा जा सकता है, वो चीज़ हम अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है मिनरल्स का वो धीरे धीरे से बढ़ने लगा, ठीक है, बढ़ने लगा, और जो इंडस्ट्रीज़ हमारी इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही थी धीरे धीरे फिर वो जोरों शोरों से काम करने लगी, ठीक है। अब इंडिया में तकरीबन 90 मिनरल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे जाते हैं, मगर यहाँ पर इनको, मतलब ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो अदर फील्ड्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटासियम, फास्फोरस जो है वो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ करे जाते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, ऑफ द क्रॉप, ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें 1950 में तो 892 मिलियन इनकी, मतलब टोटल प्रोड्यूस जितने मिनरल करे जा रहे थे उनकी जो पूरी कॉस्ट थी वो इतनी थी, ठीक है, वैल्यू जो थी वो इतनी थी, मगर धीरे धीरे ये इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर हमें आकर पता चलता है कि 2021 और 2022 के में जब मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने सर्वे करने के बाद उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई और उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम एटॉमिक फ्यूल मिनरल्स और फिर माइनर जो मिनरल्स हैं उनको निकाल दें तो हमारी जो पूरी की पूरी जो कॉस्ट है यानी वैल्यू है मिनरल्स की वो 1,90,389 करोड़। मगर यहाँ पर अगर हम इन सबको भी ऐड कर लें तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू इनकी बैठती है ना वो 2,11,857 करोड़ बैठती है। यू कैन इमेजिन कि 2,00,000 करोड़ तक की मिनरल की जो वैल्यू है वो बैठ सकती है। देखिए अब मिनरल्स तो हमने पढ़ ली, सिग्निफिकेंस पढ़ने, क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो बताता जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मिनरल्स के सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पास दो प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। अब मेटेलिक मिनरल में क्या आते हैं, आयरन और क्रोमाइट, मैग्नीज, जिंक, बॉक्साइट, कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है, ये समझ में आ गए कि ये मेटेलिक मिनरल होते हैं, ठीक है। अब वहीं पर हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल भी होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि स्टोन, फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, काओलिन, मैग्नीसाइट, बैरिएट्स एंड जिप्सम, ये कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। आगे हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में काफ़ी इत्मीनान से पढ़ेंगे, अभी बस आपको ये बात समझनी है, सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है वो मिनरल्स तो प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट 2,11,000
हाँ 211,857 करोड़ के मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मगर इसके साथ साथ वो वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड की मार्केट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, ताकि जो एक चेन है ना उसमें बैलेंस बना रहे, ठीक है। जैसे कि इंडिया क्रोमाइट जो एक्सपोर्ट करता है उसमें तीसरे नंबर पर आता है, और पाँचवें नंबर पर बॉक्साइट में आता है, और चौथे नंबर पर आयरन ओर में आता है, और सातवें नंबर पर मैंगनीज में आता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, चलें आगे। चलिए अब 90 मिनरल्स के साथ साथ अब हमारी कंट्री में सिग्निफिकेंटली बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोड्यूस भी हम काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, मगर कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो कि हमारी कंट्री में सिग्निफिकेंटली नहीं पाए जाते हैं, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो मिनरल्स हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाए जाते हैं उनसे तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं पाए जाते, तो हम पार्टली उनमें सेल्फ सफिशिएंट हैं, पार्टली सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी कुछ हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है उनका भाग, ताकि हम हमारी कंट्री में जो डिमांड उभर कर आ रही है उनको पूरा कर सकें, ठीक है। जैसे कि 2019-2020 में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन ओर, लाइमस्टोन और सिलिमिनेट, ठीक है। इनमें हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। मगर कुछ मिनरल्स ऐसे थे जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, तो हमने उनको सीधे सीधे इंपोर्ट कर लिया। जैसे कि 75% सेल्फ रिलायंट मैगनीज हमारे पास है 75% तक, और 15% पर रॉक सॉल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, और 51% मैगनीज, मगर जो आधी बची हुई डिमांड है 25% मैग्नेसाइट, और ऑलमोस्ट 85% रॉक फॉस्फेट, ऑलमोस्ट 49% मैगनीज हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से खरीदते हैं, जहाँ पर इनकी जो प्रोडक्शन है वो हाई क्वांटिटी में होती है। अभी जो अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सहायता करती है। ऑब्वियसली मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, ठीक है। जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये ट्रमेंडसली इनका ग्रोथ देखा गया है, तभी तो आज के समय में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में आयरन स्टील है, ठीक है। और कुछ स्टील ऐसा है जो हम भी इंपोर्ट करते हैं, और कुछ स्टील ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टील में, और कुछ आयरन है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज़ को, ठीक है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में हम क्रूड ऑयल कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, मगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम कुछ फर्टिलाइजर इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ हर देश में पाई, नहीं, जो रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वहाँ पर हम लगाने के समुद्र में भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो समुद्र में ही पाए जाते हैं, चाहे फिर वो पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है। और हम बात शेल गैस भी पाई जाती है समुद्र में, ठीक है। जैसे कि मुंबई हाई एक एरिया है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर शेल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और गोदावरी डेल्टा, वहाँ पर गोदावरी जन कावेरी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मगर दोनों में से एक नदी के किनारे पर जहाँ पर ये मुहाना बनता है इनका, ठीक है, वहाँ पर शेल गैस का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी कंट्री में पाई जाती हैं दूसरी कंट्री में पाई जाती हैं, तो इससे हमें एक चीज़ तो सपा पता चल जाती है कि जो बांटे गए हैं ना रिसोर्सेज कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा, वो मतलब मान लीजिए अनइवनली असमानता के तौर पर बांटे गए हैं। हर किसी कंट्री को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, एक रिसोर्सेज जो है मतलब सारे रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं पाए जा सकते, यानी कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और तभी एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, दैट इज़ दी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया जो ना बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो स्पेंड करता है किसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ताकि इंडिया की जो सफिशियंसी है वो मेंटेन कर रखी जा सके, इंडिया की जो डिमांड है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें अगर एनर्जी रिसोर्सेज की, एनर्जी रिसोर्सेज में भी काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया है वो खर्च करता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, ठीक है। आज हम एनर्जी को डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन में हो, चाहे वो फैन, कूलर, एसी वगैरह जो भी हो हम यूज़ करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, हाइड्रल पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोल और बहुत सारी टाइडल पावर हो गई, ठीक है, और विंड एनर्जी हो गई, और विंड एनर्जी के साथ साथ और भी हमारी काफ़ी सारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो वहाँ से भी प्रोड्यूस होती है, और रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से ही प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही एनर्जी को बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में प्रोड्यूस करा जाता है कंट्री में हमारी में, ताकि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो उस रिसोर्सेज की भी तो डिमांड उसी के हिसाब से इंक्रीज़ होती है ना, दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड डाउन, ठीक है, कि हमेशा जो पॉपुलेशन है ना वही सब
एक हर एक चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की क्या है, तो 2022 में हमारी जो टोटल प्रोड्यूस करा है हमारी कंट्री में वो 410,339 मेगावाट है, 410,339 मेगावाट, ठीक है। अब इसमें 235,809 मेगावाट जो है वो हमने फॉसिल फ्यूल, कोल वगैरह हो गया और यूरेनियम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से प्रोड्यूस करी, मगर बाकी की 174,530 मेगावाट हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करी, जैसे कि हाइडल, विंड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं पता चल जाए कि एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों से ही आता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये था पूरा का पूरा, हमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, चैप्टर स्टार्ट हो चुका, मे भी हो सकता है 3 दिन में मैं खत्म कर दूंगा इसे, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी वरी, ठीक है, नॉट वरी, इट्स वरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा और आपकी जो बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट मैं करा दूंगा, स्टिल आई एम जस्ट बिजी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए आई कैन नॉट डिवोट माई ऑल टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो यू ऑल्सो हैव टू यू नो कोऑपरेट विद मी, कोलैबोरेट विद मी, सो दैट कि हम जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को एक्सपैंड करें और अच्छे से नतीजे पर पहुँचें। और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेने वाला हूँ, फ्री बुक्स, फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बट द कंडीशन इज योर पार्टिसिपेशन, योर कोलैबोरेशन एंड योर कोऑपरेशन इज रियली नीडेड फॉर मी, ठीक है। तो आपका पार्टिसिपेशन, आपकी भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखते रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान को, अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी, ठीक है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, जय हिंद।